लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मोदी सरकार में युवा हुए बेरोजगार, राम रसपाल, युवा रालोद के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए राम रसपाल पौनिया ने मथुरा में पत्रकारों से कहा कि नरेंद्र मोदी देश की जनता को अच्छे दिन देने का वायदा करके आए थे, लेकिन देश को दुर्दिन ही दिखाए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का परिणाम सबके सामने है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की तरक्की का रास्ता ही भाजपा ने बंद कर दिया है। होटल हीरा इन्विटेशन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि काला धन विदेश से लाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री ने जनता की कमाई को विदेश भेजने में अहम भूमिका निभाई। विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी भाजपा सरकार के इशारे पर करोड़ों रुपए लेकर विदेश चले गए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल सका। आज देश की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए युवा रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर में भटक रहा है, पर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवा नेता ने कहा कि संगठन से युवाओं को जोड़ा जाएगा, पार्टी की रीति नीति से आम आदमी को जोड़ा जाएगा, बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता खड़ा नजर आएगा। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में रालोद अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी 10 अगस्त को विकास खंड राया के गांव कुम्हा में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। रालोद नेताओं ने कहा कि इसी सभा में आंदोलन को गति दी जाएगी, चुनावी रणनीति तय कर रालोद अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगा।